हेलो, वेलकम टू केमिस्ट्री एंड टू। सो बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। जो ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, जो हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, बहुत बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, दिस आर नॉट एडवांस लेवल न्यूमेरिकल्स। ये न्यूमेरिकल्स मैंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के HSC सिलेबस से निकाले हैं, जो 12th स्टैंडर्ड का सिलेबस है। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी यूजफुल होगा जो आने वाले टाइम में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के HSC के एग्जामिनेशन को अपीयर कर रहे हैं, एज वेल एज ये न्यूमेरिकल्स उनके लिए भी यूजफुल होंगे जो IIT जैम और IIT JEE मेंस और एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। आई नो दिस न्यूमेरिकल्स आर नॉट सो एडवांस न्यूमेरिकल, बट दिस न्यूमेरिकल विल गिव यू सम आइडिया अबाउट हाउ टू टैकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री न्यूमेरिकल्स, व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व, बिकॉज दिस न्यूमेरिकल्स विल बी हैविंग वराइटी ऑफ न्यूमेरिकल, जहाँ पे आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। और हम स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने से पहले आपके पास वो न्यूमेरिकल्स होने चाहिए। तो या तो आप, मैं अभी स्क्रीनशॉट्स आपको दे रहा हूँ, आप उन स्क्रीनशॉट्स को अपने मोबाइल पे वीडियो एनलार्ज करके आप उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है, आप उस लिंक पे जाके क्लिक कीजिएगा, आपको एक गूगल ड्राइव का लिंक आएगा जहां से आप उन न्यूमेरिकल्स को डाउनलोड कर सकते हो। इट्स अ PDF और इमेज, आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। सो हियर वी गो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास न्यूमेरिकल्स आ गए हैं, आपने न्यूमेरिकल्स को एक बार क्रॉस चेक किया है। प्लीज़ पेन पेपर एंड न्यूमेरिकल्स को लेके रेडी रहिएगा। देयर आर 39 न्यूमेरिकल्स और 39 न्यूमेरिकल्स में वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। तो हम अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करूंगा, और प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व ईच एंड एवरी न्यूमेरिकल, देयर आर 39 न्यूमेरिकल। आई विल गिव यू अ जनरल आइडिया कि किस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे टैकल करना है, कैसे उनको सॉल्व करना है, और वो कौन से फॉर्मूलेज होंगे जो उनके लिए इंपॉर्टेंट। एंड ट्रस्ट मी, जितना मैं आपको सिखाऊंगा उतना सीखने के बाद आप ये 39 के 39 न्यूमेरिकल्स को टैकल आराम से कर सकते हो। आई बेट आप आराम से टैकल कर सकते हो, दे आर नॉट सो डिफिकल्ट आफ्टर लिसनिंग मी, सो प्लीज लिसन मी केयरफुली, लेट्स स्टार्ट। सो न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके न्यूमेरिकल नंबर 6 तक के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, दे आर बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी। आई होप आपने कंडक्टिविटी एंड मोलार कंडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। सो दिस विल बी बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कंडक्टिविटी एंड द सेकेंड कॉन्सेप्ट इज मोलार कंडक्टिविटी। सर दो ही फॉर्मूले हैं, ये 6 के 6 न्यूमेरिकल आप इन दो फॉर्मूले की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। जैसे पहला फॉर्मूला मेरा आता है कंडक्टिविटी का फॉर्मूला, दैट इज 1/resistance मल्टीप्लाइड बाय लेंथ डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया। दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू यूज। इस फॉर्मूले में जो टर्म्स इन्वॉल्व है मैं उनको बता देता हूँ। K का मतलब होता है कंडक्टिविटी, दैट्स कंडक्टिविटी। R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, जो हम लोगों ने फिजिक्स में यूजुअली यूज किया है, इसको गैस कॉन्स्टेंट के साथ कन्फ्यूज मत करना। L बाय A को हम यूजुअली टोटल लेते हैं, वहाँ लेंथ और एरिया को अलग अलग लेने का जरूरत नहीं पड़ता। तो L बाय A को कहा जाता है सेल कॉन्स्टेंट। ना बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको कंडक्टिविटी दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा, एल बाय ए पूछा होगा, या बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको दोनों दिया होगा, कंडक्टिविटी पूछा होगा। तो सिंपल फॉर्मूला, आपको दोनों फॉर्मूले को यूज करना है। आप इस फॉर्मूले को यूज करो, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स यहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। नाउ द सेकंड फॉर्मूला दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो यूजुअली यूज किया जाता है, जिसको कहा जाता है मोलार कंडक्टिविटी। सो लैम्डा विल बी इक्वल टू कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। आपको ये फॉर्मूला यूज करना है न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके 6 तक के न्यूमेरिकल्स में। नाउ इसमें टर्म्स इन्वॉल्व जो है, दिस इज कॉल्ड एज मोलार कंडक्टिविटी, दैट इज मोलार कंडक्टिविटी, दिस विल बी योर कॉन्सेंट्रेशन। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, आप जब न्यूमेरिकल्स को रीड करोगे वहां पे बहुत बार लिखा होगा 0.001 मोलार HCl, या वहां लिखा होगा लेट अस से 0.02 मोलार AgNO3। तो सर ये जो 0.02 मोलार, 0.01 मोलार, ये है, यही आपका कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ आप कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी में लेते हो, इसलिए इसको मोलार कंडक्टिविटी कहा जाता है। मैनी टाइम्स आपका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस किया जाता है, जैसे 0.01 नॉर्मल HCl, या 0.01 नॉर्मल H2SO4 दिया होगा, या 0.01 AgCl दिया होगा, आपको कुछ भी दिया होगा, यू विल बी गिवन द कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी। उस केस में ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, और फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा ही रहेगा,
बट ये हो जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। नाउ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का मतलब होता है, देखो हम जब नॉर्मेलिटी लिखते हैं तो नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में हम लोगों को, यहाँ हम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं, मोलार मास, वन मोल प्रेजेंट इन वन लीटर, तो वन मोलार हो जाता है। इस केस में आप क्या लेते हो, इक्विवेलेंट यानी ग्राम इक्विवेलेंट लेते हो। सो नॉर्मेलिटी में जो चीज इन्वॉल्व है उसको कहा जाता है इक्विवेलेंट वेट, ओके। और मोलैरिटी में जो टर्म इन्वॉल्व है उसको कहा जाता है मोलार वेट। तो इसीलिए ये मोलार कंडक्टिविटी हो जाएगा, तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, दैट विल बी कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। आप इस फॉर्मूले का यूज करोगे और इस फॉर्मूले का यूज करके आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। याद रखना, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो नॉर्मेलिटी के टर्म्स में होगा, यहाँ पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो मोलैरिटी के टर्म्स में होगा। अनफॉर्चुनेटली जो आप न्यूमेरिकल्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं वहाँ पे कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जहाँ आपको नॉर्मेलिटी से डील करना है, वहाँ सारे न्यूमेरिकल्स में मोलैरिटी से डील करते हैं। अगर इनका इनकेस अगर नॉर्मेलिटी से डील करने वाला कोई न्यूमेरिकल मिलेगा तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। नाउ यहाँ क्वेश्चंस को ट्विस्ट किया जा सकता है, आपको कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मेलिटी में दिया होगा और आपको पूछा जाएगा मोलार कंडक्टिविटी, तो आप नॉर्मेलिटी को कन्वर्ट करोगे मोलैरिटी में और उस कॉन्सेंट्रेशन को यूज करोगे मोलार कंडक्टिविटी निकालने के लिए। सो याद रखना, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलार कंडक्टिविटी में डिफरेंस है, दैट इज फॉर नॉर्मल सोल्यूशन एंड दिस इज फॉर मोलार सोल्यूशन। नाउ दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन प्रीटी जो डिफिकल्ट एग्जाम्स है, जैसे IIT JEE में, IIT JEE में इनके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको कन्फ्यूज करने के लिए क्वेश्चन को घुमा देंगे, एंड डू नॉट गेट कन्फ्यूज ओवर दैट, ओके, क्वाइट सिंपल। नाउ इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको सॉल्व करते हैं। तो एक काम करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर वन हम देखते हैं, अब बाकी के न्यूमेरिकल आप खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल जहां आपसे ये कहा गया है कि यू हैव गॉट अ कंडक्टिविटी सेल, आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है जिसके अंदर 0.01 मोलार KCl है, यू हैव गॉट 0.01 मोलार KCl। तो सर मैं कह सकता हूं मुझे कॉन्सेंट्रेशन मिल गया है, दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन KCl का। उसको अगर 25 डिग्री सेल्सियस में अगर एक कंडक्टिविटी सेल पे डाला जाता है, तो आपको टेम्परेचर का वैल्यू दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो उस KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस कम्स आउट टू बी 604 ओहम्स एंड उसका कंडक्टिविटी कम्स आउट टू बी 0.00141 ओहम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। नाउ उसी कंडक्टिविटी सेल में अगर आपके पास एक 0.001 मोलार AgNO3 है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज सेम सेल, आपने सेल को चेंज नहीं किया है, तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन इसका मिल जाता है, दैट इज AgNO3, और इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि बताओ मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 कितना होगा। नाउ फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अगर सेम सेल होता है, याद रखना आपने कंडक्टिविटी सेल को चेंज नहीं किया है, अगर आप कंडक्टिविटी सेल को चेंज नहीं करते हो तो उसका L by A will remain constant, तो L by A चेंज नहीं होता, जिसको हम लोगों ने सेल कॉन्स्टेंट के नाम से डिनोट किया है, okay? तो अब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हाउ विल यू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल? सर क्वाइट सिंपल, एक काम करो, ऑलवेज बिफोर यू स्टार्ट एनी न्यूमेरिकल डू रिमेंबर, आपको जो फाइंड आउट करना है पहले उसको लिखो। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3। सो मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि लास्ट में मुझे वो फाइंड आउट करना है। नाउ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ AgNO3 का, यस गिवन, मोलार कंडक्टिविटी ढूंढ के निकालना है। अनफॉर्चुनेटली AgNO3 का कंडक्टिविटी कहीं पर भी नहीं है, सो दिस इज मिसिंग ओवर देयर। अगर गलती से मुझे कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 मिल जाए तो मैं ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकता हूँ। हाउ विल यू फाइंड कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3? सर कंडक्टिविटी ऑफ AgNO3 का फॉर्मूला हो जाएगा, दैट विल बी 1/ रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3 मल्टीप्लाइड बाय L/A। एम आई करेक्ट? L/A से मल्टीप्लाई कर दो। अब प्रॉब्लम यह है कि फिर से रेजिस्टेंस ऑफ AgNO3 तो दे दिया है 6529, बट L/A नहीं मालूम। अगर L/A मिल जाएगा तो आप यहाँ पुटअप करोगे, यहाँ पुटअप करने के बाद कुछ तो आंसर आएगा, उस आंसर को आप यहाँ सब्सटीट्यूट करोगे, सब्सटीट्यूट के आंसर निकालोगे, पर L/A कहाँ से निकालोगे? तो सर L/A ढूंढ के निकालने के लिए ऊपर गिवन कंडीशन का यूज करो। सर वहाँ पे कंडक्टिविटी भी दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है, वो भी KCl का, तो कंडक्टिविटी ऑफ KCl, दैट विल बी KCl विल बी इक्वल टू 1/ रेजिस्टेंस ऑफ KCl मल्टीप्लाइड बाय L/A। देयरफॉर L/A will be equal to conductivity of KCl multiplied by resistance of KCl। conductivity of KCl दिया है, resistance of KCl दिया है, और आप जब इसको solve करोगे कुछ तो answer आएगा, उस answer को यहाँ substitute करोगे conductivity मिलेगा, उसको यहाँ substitute करोगे final answer मिलेगा। I hope आपको समझ में आया करना क्या। Now the most important point is कि यहाँ पर temperature mention किया हुआ है,
ये जो टेम्परेचर यहाँ पे मेंशन किया है ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए किया है, क्योंकि हमारे इन फॉर्मूले में इसमें टेम्परेचर का कोई लेना देना नहीं है। तो सर इतना समझने के बाद आप न्यूमेरिकल नंबर 1 से लेके न्यूमेरिकल नंबर 6 तक सॉल्व कर सकते हो। प्लीज सॉल्व करना और बताना कि आंसर्स आते हैं कि नहीं आते। ओके, तो अगले टाइप के जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 7 एंड न्यूमेरिकल नंबर 8। सो न्यूमेरिकल नंबर 7 एंड 8 सिर्फ दो ही न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, ऐसे न्यूमेरिकल। आप इन दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे, मैं इन दो में से किसी एक को भी सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको अपनी तरफ से करके बताता हूं कैसा। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल होते हैं कोलेरोशस लॉ पे बेस्ड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ कोलेरोशस लॉ? सर कोलेरोशस लॉ स्पीक करता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इफ यू हैव गॉट एन वीक इलेक्ट्रोलाइट और आपको अगर उस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना है, मुझे उम्मीद है मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मीनिंग आपको पता है। आपको अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का, लेट मी से अगर मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट है एक्स वाई, आपको इस वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी निकालना है एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन या मैक्सिमम डाइल्यूशन, तो आप क्या करते हो, आप लैम्डा नॉट ऑफ एक्स वाई कैन बी स्प्लिटेड इनटू लैम्डा नॉट ऑफ एक्स प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ वाई माइनस। सर पहली बात तो ये है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपको न्यूमेरिकल्स में किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यूज दी होंगी और आपको उसकी मदद से एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ढूंढ के निकालना है। जैसे फॉर एग्जांपल, मानो अगर मैं आपसे कहता हूं लैम्डा नॉट ऑफ, मेरे पास है CH3COONa, दैट इज सोडियम एसिटेट, इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट्स अ सॉल्ट। मुझे लैम्डा नॉट ऑफ HCl का वैल्यू दिया है, अगेन इट्स अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और लैम्डा नॉट ऑफ अगर मुझे वैल्यू दिया है लड़े से NaCl का, आपको इन तीन वैल्यूज की मदद से आपको ढूंढ के निकालना है लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH, वीक एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो बहुत ही वीक एसिड होता है, आपको उसका लैम्डा नॉट का वैल्यू ढूंढ कर निकालना है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या मोलार कंडक्टिविटी एट जीरो कॉन्सेंट्रेशन। ये इन दो वर्ड्स को कैच करना न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक्स बता रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग इनटू द थ्योरी स्टफ ऑफ दिस, थ्योरी स्टफ के लिए आप मेरे वीडियोस देख सकते हो पूरी सीरीज में, मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं। सर देखो, आपको अगर इसको फाइंड आउट करना है इसका वैल्यू कितना होगा, आपको तीन वैल्यूज दी हुई हैं, तो सबसे पहले ढूंढो अगर ये स्प्लिट होगा तो किसमें स्प्लिट होगा, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO- में और लैम्डा नॉट ऑफ H+ में। अब ये दो दो कटायन और एनायन जो यहां प्रेजेंट है इसमें ढूंढो कहां पर है। सर इसमें एक तो एसिटेट आयन यहां प्रेजेंट है मेरे पास, तो मैं इसको रेड कलर से सर्च कर सकता हूं, एक यहां है और वहां H+ है, तो H+ यहां पर है। तो सर बहुत सिंपल है, जहां आपके आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं वो जिसमें कॉमन होंगे उनकी मोलार कंडक्टिविटी को ऐड करो और जिसमें नहीं होंगे उसको माइनस कर दो। जैसे आप जब इसको लिखोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONa प्लस लैम्डा नॉट ऑफ, दिस विल बी HCl माइनस लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, आप इसको ऐसे कर दोगे। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे समझ में आएगा, तो एक काम करो इसको एक्सपांड करो, जब इसको एक्सपांड करोगे सो दिस विल बी लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस ब्रैकेट प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया, बिकॉज इसका जो मोलार कंडक्टिविटी होगा उसको ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, प्लस ब्रैकेट में यहाँ क्या आ जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस ब्रैकेट माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस। एक काम करो ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, अगर आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो व्हाट यू विल रियलाइज इज कि CH3 ये प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Na और माइनस लैम्डा नॉट ऑफ Na क्या हो जाएगा कैंसिल, करेक्ट, प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस, तो यहाँ माइनस है तो ऑब्वियसली ये माइनस हो जाएगा, प्लस एंड माइनस विल ऑल्सो गेट कैंसिल, व्हाट विल बी लेफ्ट विद यू विल बी दिस एंड दिस। अब अगर आप इसको ऐड करो सो दिस इज लैम्डा नॉट ऑफ CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नॉट ऑफ H प्लस एंड बेसिकली दैट इज नथिंग बट लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH, आप ऐसे ढूंढ के निकाल सकते हो। एक काम करते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं, मे बी शायद आपको समझ में आया, मुझे उम्मीद है ये समझ में आया, इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आपको लैम्डा नॉट ऑफ AgI ढूंढ के निकालना है सिल्वर आयोडाइड विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट और मैं आपको लैम्डा नॉट ऑफ AgNO3 देता हूं, ओके, मैं आपको लैम्डा नॉट ऑफ NaNO3 देता हूं और मैं आपको लैम्डा नॉट ऑफ NaI देता हूं, इन तीन की वैल्यू से इसकी वैल्यू पता करो, तो सेम सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा नॉट ऑफ AgI विल बी इक्वल टू Ag ढूंढो और आयोडीन ढूंढो। सर Ag और आयोडीन ना,
तो देखो एजी इधर प्रेजेंट है और आयोडीन इधर प्रेजेंट है, तो इसको और इसको ऐड करो और इसको सब्सट्रैक्ट करो. सो दिस विल बी लैम्डा लैम्डा नॉट ऑफ ए जी एन ओ थ्री प्लस लैम्डा नॉट ऑफ एन ए आई माइनस लैम्डा नॉट ऑफ एन ए एन ओ थ्री. एंड विद दिस आपको सिर्फ वैल्यूज को पुट अप करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, आंसर आ गया. एज सिंपल एज दैट. सो सर न्यूमेरिकल नंबर सिक्स, न्यूमेरिकल नंबर सेवन एंड एट आप ट्राई कीजिएगा. और एज वेल एज मैं आपको एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूँ जो थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा एडवांस लेवल का है, आप प्लीज उसको ट्राई कीजिएगा और देखिए अगर आपको आता है कि नहीं आता है. इस न्यूमेरिकल का आंसर आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगा जहां मैं उसको अपलोड करने वाला हूं. और न्यूमेरिकल है ये, मुझे उम्मीद है कि आप इस न्यूमेरिकल को ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको आंसर आता है कि आपको आंसर नहीं आता है. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, इसके बाद कौन से न्यूमेरिकल? सर इसके बाद जो न्यूमेरिकल्स आते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो न्यूमेरिकल है फैराडे लॉ से रिलेटेड. नाउ आप अगर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट हो और अगर आपने अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक को देखा हो, वहां बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस दिया है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का. मैं आपको एक बहुत सिंपल मेथड सिखाता हूं, मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूं, आप सिर्फ उस फॉर्मूले को यूज कीजिएगा, आपको पक्का मार्क्स मिलेंगे. Nobody can cut your marks. You are writing a correct formula and describing each and every term that is involved in your formula. तो वो फॉर्मूला कैसे आता है मैं वो भी बता देता हूँ, उन फॉर्मूले को यूज कैसे करने वो भी बता देता हूँ. तो आपको जो मैंने न्यूमेरिकल्स दिए हैं वहां पर न्यूमेरिकल नंबर 9 से लेके न्यूमेरिकल नंबर 18 तक जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं दे ऑल आर बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ. नाउ फैराडेज के दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ. फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ ऑलमोस्ट सेम है, बस यूं कह सकते हो कि जो सेकेंड लॉ है वो फर्स्ट लॉ का ही एक्सटेंशन है, डेरिवेशन है. तो हम एक काम करते हैं फैराडेज लॉ से स्टार्ट करते हैं और आपको न्यूमेरिकल कैसे करने हैं. ना ना फैराडेज लॉ का सबसे पहले फैराडेज लॉ को अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, फैराडेज लॉ आपको पता होना चाहिए कि वन फैराडे का मतलब होता है 96500 कूलम्स. एक्चुअली ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो 96475 या 96478 के आसपास आती है, जिसको हम लोगों ने अप्रोक्सीमेटली 96500 कर दिया है. फैराडेज कांस्टेंट यानी एफ दैट इज फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, व्हाट इज फैराडेज कांस्टेंट, इस पे मेरा वीडियो है, आप चाहो तो इस वीडियो को जाके देख सकते हो, आपको ये वीडियो मिल जाएगा जहां मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है. नाउ लेट अस स्टार्ट विद फैराडेज फर्स्ट लॉ. सर फैराडेज फर्स्ट लॉ आपसे ये कहेगा कि मानो आपके पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में मैंने दो इलेक्ट्रोड्स को डिप किया है, दिस इलेक्ट्रोड मस्ट बी इनर्ट इलेक्ट्रोड, और आपने उन दोनों इलेक्ट्रोड को बैटरी के साथ कनेक्ट किया, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज. आपने एक सोल्यूशन लिया है लड़े से एक्स प्लस का और वाई माइनस का, अभी कुछ भी हो सकता है, एन ए प्लस सी एल माइनस, इट कैन बी कॉपर टू प्लस प्लस सी एल माइनस, इट कैन बी एल्यूमिनियम थ्री प्लस और लड़े से सी एल माइनस, कुछ भी हो सकता है, इट मे बी कंटेनिंग डिफरेंट कटायंस एंड डिफरेंट एनायंस. आपको अगर कोई पूछे कि जैसे ही मैं बैटरी को ऑन करूंगा तो मेरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव रॉड के पास जाएगा और वहां पे जाके डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, और सीधी सी बात है जो मेरा नेगेटिव आयन होगा वो इसकी तरफ जाएगा, अगर नेगेटिव आयन गैस बनाता है तो वो गैस वहां से लिबरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. नाउ आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं. पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड. तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है. दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है जो गैस के साथ रिलेटेड होता है कि अगर कोई गैस निकल रही है तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड आपसे पूछा जाएगा. कभी कभी वेट ऑफ गैस भी पूछा जाता है, वेट ऑफ गैस लिबरेटेड. तो ये तीन क्वेश्चन होंगे, या तो आपको पूछा जाएगा दोनों का वेट बताओ, या तो पूछा जाएगा कि अगर वहां से गैस लिबरेट हो रहा है, इवापोरेट लिबरेट हो रहा है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, ये आपसे पूछा जाता है. तो सर अकॉर्डिंग टू फैराडेज फर्स्ट लॉ वेट ऑफ एनी कंपाउंड डिपॉजिटेड दैट विल बी एक्स इज गिवन बाय अ सिंपल फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ मोलार मास ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन इनटू एफ, दिस इज एन एक्स मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय टी. इस फॉर्मूले का मीनिंग है कितना वजन डिपॉजिट होगा अगर वो कैलकुलेट करना है तो ये फॉर्मूला है. बताओ जिस चीज को डिपोजिशन का निकालना चाहते हो वेट, उसका मोलार मास कितना है डिवाइडेड बाय जब वो डिपॉजिट होगा या जब वो लिबरेट होगा, यानी या तो वो ऑक्सीडेशन करेगा या तो वो रिडक्शन करेगा, उसके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करने में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड हैं, तो उसको कहा जाता है एन, दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्वड इन ऑक्सीडेशन
और रिडक्शन. द रीजन इज कि हम यहाँ रेडॉक्स नहीं लिखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं है. आप यहाँ सिर्फ देखोगे अगर क्लोरीन है तो भाई देखो क्लोरीन अगर होगा तो देखो क्या होगा, 2 टाइम Cl- माइनस विल गेट कन्वर्टेड इनटू Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, 2. अगर Na डिपॉजिट हुआ है तो Na प्लस विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड गेट कन्वर्टेड इनटू Na. अगर एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम 3 प्लस विल एक्सेप्ट 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू एल्यूमिनियम. सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दैट विल बी गिविंग N वैल्यू. ओके, F का मतलब आपको पता है फैराडेज कांस्टेंट, दैट कम्स आउट टू बी 96500 कूलम, ये तो फिक्स वैल्यू है. नाउ I का मतलब वहां होगा भाई अगर मेरा X प्लस वहां जाके डिपॉजिट हुआ है तो कितना अमाउंट ऑफ करंट वहां से फ्लो हो रहा था, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, 15 एम्पियर. सो दिस विल बी स्पीकिंग अबाउट करंट, द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज फ्लोइंग. T का मतलब फॉर हाउ मच टाइम, कितने देर के लिए वहां पर वो करंट फ्लो हो रहा था. भाई एक्स कितना डिपॉजिट होगा वो डिपेंड करता है करंट कितना था और टाइम कितना था. सो दिस विल बी योर टाइम, एंड लेट मी टेल यू टाइम शुड बी इन सेकेंड्स, इसको मिनट्स में मत लेना. अगर मिनट्स में, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको देखेगा 1 आवर दिया है, 15 मिनट्स दिया है, आप उसको कन्वर्ट करो सेकंड्स में. 1 आवर करस्पॉन्ड टू 3600 सेकंड्स, ठीक है. सो दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको यूज करना है. ये फॉर्मूला महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के HSC के सिलेबस में नहीं है, बोर्ड पेपर टेक्स्ट बुक में नहीं है, डायरेक्टली नहीं दिया, इनडायरेक्टली उन्होंने उसको बताया जरूर है. तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो सर, इससे आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज I मल्टीप्लाइड बाई टी इज नथिंग बट क्यू. Q का मतलब होता है ना, Q is equal to I multiplied by T. तो formula modify क्या हो जाएगा, WFX will be equal to molecular mass of X into N of X into Faraday multiplied by Q. तो कभी कभी वो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेंगे, वो आपको वेट डिपॉजिट बता देंगे, भाई इतना ग्राम डिपॉजिट हुआ, इसका इतना मोलार मास है, N का वैल्यू आपको ढूंढना पड़ेगा. आपको नहीं दिया जाएगा, यू शुड नो कि उसका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन कैसे होता है. F का वैल्यू आपको पता है, क्यों ढूंढने के लिए पूछा जाएगा. दिस इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज भी इसको कहीं कहीं पे लिखा जाता है. तो आपको अमाउंट ऑफ चार्ज या क्वांटिटी ऑफ चार्ज कितना फ्लो हो रहा है आपको वो पता करना है. सो दिस इज द फॉर्मूला, भाई उसी को मैंने मॉडिफाई कर दिया. नाउ मेनी टाइम्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन आस्किंग कितना ग्राम डिपॉजिट हुआ, बिकॉज यहां से जो भी आप आंसर ढूंढ के निकालोगे वो किस में आएगा, ग्राम्स में. मेनी टाइम्स दे विल आस्क यू हाउ मेनी मोल्स आर डिपॉजिटेड. मतलब देखो मैं अगर यहां कहता हूं कि कार्बन 12 ग्राम, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, लेट अस से सोडियम, मैं कहता हूं सोडियम 23 ग्राम डिपॉजिट हुआ, कुछ तो करंट गया, कितने टाइम के लिए गया, और सोडियम 23 ग्राम डिपॉजिट हुआ. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू वेट, मुझे बताओ नंबर ऑफ मोल कितना डिपॉजिट हुआ. उस केस में आपको नंबर ऑफ मोल ढूंढना पड़ेगा. तो आपको वजन नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ढूंढना है. तो आप नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो सर नंबर ऑफ मोल्स निकालना बड़ा आसान हो जाएगा, मुझे वेट नहीं चाहिए, तो मैं इस वेट को किसमें कन्वर्ट करूंगा, नंबर ऑफ मोल्स में. तो नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू वेट ऑफ एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स. अब वेट ऑफ एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एक्स होता है ना, तो इस मॉलिक्यूलर वेट को अगर मैं यहां ले लूं तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाइड बाई टी डिवाइडेड बाई एन एक्स इंटू एफ, या मैं इसको लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय Nx इनटू F. सर ये फॉर्मूला आप यूज करोगे N डिपॉजिटेड ढूंढने के लिए. ये N डिपॉजिटेड यानी कितना मोल्स डिपॉजिट हुआ है, ये आप तब करोगे मोस्टली. आपको मैं हिंट दे देता हूं, अब प्लीज इसको याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड ये आप तब ढूंढ के निकालोगे जब आपसे पूछा जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेटेड. जब भी आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेट कितना हुआ है, तब आप उसका वजन मत निकालो. अरे भाई आप गैस का वजन निकाल के क्या कर लोगे, आप एक काम करो उसका नंबर ऑफ मोल्स निकालो. क्यों, क्योंकि दो कंडीशन होंगी. तो मैं यहां लिख देता हूं एन डिपॉजिटेड टू बी कैलकुलेटेड व्हेन वॉल्यूम ऑफ गैस इज आस्क्ड. जब आपसे वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा जाएगा, क्यों भाई, अगर आपको एक बार पता चल गया कि यहां से कितना गैस इवोपरेट हो रहा है, आपको पता चल गया 5 मोल्स ऑफ गैस इवोपरेट हो रहा है या लिबरेट हो रहा है, अब से इवोपरेट नहीं होगा, तो अगर यहां से 5 मोल्स लिबरेट हो रहा है, बताओ उसने कितना वॉल्यूम लिबरेट हुआ. अभी 5 मोल ऑफ गैस अगर लिबरेट हुआ तो उसका कुछ तो वॉल्यूम होगा ना. हाँ, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना. अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि STP पे है, या अगर वहां NTP कुछ लिखा हुआ है, STP NTP, या अगर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, देयर इज नो मेंशन ऑफ STP या NTP, अगर आपसे STP या NTP बोला गया है, तब आप नंबर ऑफ मोल्स को ढूंढोगे, और उसके बाद आप एवोगैड्रोस का एक रूल है मोल कॉन्सेप्ट पे जो हमने पढ़ा है, आप बोलोगे कि 1 मोल विल ऑक्यूपाई 22.414 लीटर्स
देयरफॉर आपका कितना गैस लिबरेट हुआ, 5 मोल्स ना, तो मैं उसको एक्स मोल सकता हूँ. सो मुझे बताओ n मोल्स, क्योंकि आपका वहाँ n मोल्स डिपॉजिट हुआ है, n मोल्स विल ऑक्यूपाई हाउ मेनी लीटर्स, लेट मी से इट्स x लीटर. तो वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी इक्वल टू 22.414 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लिबरेटेड. ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लिबरेटेड आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. न्यूमेरिकल नंबर 16 जो है, न्यूमेरिकल नंबर 17 जो है, उस न्यूमेरिकल में आपको ये कैलकुलेट करना है. ना अगर मान लो आपको एनटीपी एसटीपी नहीं मेंशन किया, नॉर्मली बोल दिया कि पता करो कितना वॉल्यूम ऑफ गैस लिबरेट होगा, उस केस में आपको फॉर्मूला यूज करना है आइडियल गैस का. भाई आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या है, पीवी विल बी इक्वल टू एन आर टी, तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय प्रेशर. तो वहां पर भी आपको किसका वॉल्यूम दिया होगा, नंबर ऑफ मोल ढूंढना पड़ेगा, ऑब्वियसली प्रेशर मेंशन किया होगा, तो आपको उस समय देखना पड़ेगा कि प्रेशर कितना है. आर का वैल्यू दिया होगा, टी का वैल्यू दिया होगा, आप उस समय वॉल्यूम इससे कैलकुलेट करोगे. न्यूमेरिकल नंबर 35 जब आप देखोगे, सो दैट विल बी 35, न्यूमेरिकल नंबर 35, आपको वहां पे ये कैलकुलेट करना है कि हाइड्रोजन का वॉल्यूम कितना लिबरेट हुआ. वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस का एक रिएक्शन दिया है, आपको इस रिएक्शन में ये पता करना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इज लिबरेटेड हाइड्रोजन का. तब उसमें एसटीपी एनटीपी कुछ मेंशन नहीं किया है, तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है. आप न्यूमेरिकल नंबर 16 को जब देखोगे तो वहां मेंशन किया होगा कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट एसटीपी, और मे बी शायद वहां एनटीपी मेंशन किया है, तो आप वहां पे ये वाला मेथड यूज करोगे. बट कुछ भी मेथड हो, नंबर ऑफ मोल्स तो दोनों में ढूंढना पड़ेगा, तो आप नंबर ऑफ मोल्स डिपॉजिटेड तब ढूंढोगे जब आपसे पूछा जाता है, आपको गैस का वॉल्यूम पूछा जाता है, या अगर आपसे स्पेशली कहा गया है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो, तो आप तब भी कैलकुलेट कर सकते हो ना. एक तो ये है. अब इसी में एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड. नाउ इसको आप कैसे टैकल करोगे ना, ये आपसे ऐसे पूछेंगे. सपोज करो फॉर एन एग्जांपल, एक एग्जांपल लेके चलते हैं. मैं अगर आपसे कहता हूं भाई देखो कॉपर है ना, कॉपर डिपॉजिट हो गया 2.2 ग्राम, ठीक है, और आई का वैल्यू जो था भाई करंट जा रहा था 2 एम्पियर, और आपको बोले टाइम जा रहा था 1 घंटे के लिए, मैंने 1 घंटे को 3600 सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया. मॉलिकुलर मास ऑफ कॉपर भी मैं आपको दे देता हूं, मॉलिकुलर मास ऑफ कॉपर 63.5 ग्राम्स पर मोल, मोलार मास. अब आपसे पूछा गया है कि बताओ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड. हाँ सर, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 10 आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे ये पूछा गया है, वहां पे सिल्वर के बारे में बताया होगा, सिल्वर का वजन भी दे दिया होगा, और फिर आपसे पूछा गया बता हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड. तो वो पूछना क्या चाहते हैं, एक्चुअली वो पूछना ये चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे हम कॉपर का एग्जाम्पल ले रहे, तो कॉपर की बात करते हैं, तो मुझे बताओ कॉपर का रिएक्शन कैसे लिखोगे. कॉपर रिडक्शन करेगा, बिकॉज कॉपर इज 2+, वो 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में डिपॉजिट हो जाएगा, इस कॉपर. तो मुझे बताओ ये मेरा स्टैंडर्ड रिएक्शन है, मैं आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन रिएक्शन कह सकता हूँ. मुझे बताओ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको कितना कॉपर दे रहा है, 1 कॉपर, अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडर्ड रिडक्शन रिएक्शन ये रिएक्शन है. तो मैं कह सकता हूँ जब 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ तब मुझे 1 मोल ऑफ कॉपर मिला. Now, 2 moles of electron, 2 moles of electron का मतलब 1 mole of copper ना, 1 mole of copper का मतलब कितना हो जाएगा, उसका molar mass कितना है उसका, 63.5 ग्राम. बस सर हो गया, इतना ही है. अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर 63.5 ग्राम को डिपॉजिट होने के लिए 2 moles of electron का जरूरत पड़ता है, तो मुझे बताओ 2.2 ग्राम जब डिपॉजिट हुआ होगा, 2.2 ग्राम जब डिपॉजिट हुआ होगा, तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ा होगा. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड मैं उसको लिखूंगा एन डैश. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन यानी ये, इसको मैं लिखूंगा स्मॉल एन. मुझे उम्मीद है देर आर 3 n विच आई एम यूजिंग. तो n डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n डैश का फॉर्मूला विल बी n मल्टीप्लाइड बाय वेट डिवाइडेड बाय मोलार वेट. जैसे इसका ये देखो, इसके हिसाब से दिस विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 होल डिवाइडेड बाय 63.5. 2 मल्टीप्लाइड बाय 2.2 डिवाइडेड बाय 63.5, n डैश ऊपर चला जाएगा. मुझे उम्मीद है ये फॉर्मूला समझ में आया, दिस फॉर्मूला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ अगर आप यहाँ पे देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अरे ये तो n डिपॉजिटेड है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो सर फॉर्मूला विल बी n डैश विल बी इक्वल टू
एन मल्टीप्लाइड बाय एन। नाउ सर ये क्या है, देखो ये एन डैश का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड। अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को मैं एन लिखता हूँ, दिस विल बी एन डिपॉजिटेड, यानी कितना मोल्स वहाँ डिपॉजिट हुआ। एंड व्हाट इज दिस एन का मतलब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप क्लियर है। ये फार्मूला भी टेक्स्ट बुक में नहीं है, दिस फार्मूला इज एक्चुअली नॉट गिवन इन टेक्स्ट बुक, उन्होंने बहुत लंबा छोटा डिस्क्रिप्शन करके उन्होंने सॉल्व किया है। तो अब सर यहाँ से आप फैराडेज़ लॉ से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हो। या तो आपसे पूछेंगे बताओ वजन कितना डिपॉजिट होगा, बड़ा आसान है, वेट डिपॉजिट मोलर मास दिया रहेगा, एन आपको पता होना चाहिए, एफ होगा, आई का वैल्यू दिया होगा, टी का वैल्यू दिया होगा, एफ तो कॉन्स्टेंट है। अब कैसे पता चलेगा एन का वैल्यू कितना होगा? अरे तो सर बहुत आसान है सर, एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन रिडक्शन या ऑक्सीडेशन ना। अरे हाँ, तो वो उसी मेटल की वैलेंसी पे डिपेंड करेगा। अगर आपके पास सोडियम प्लस सोडियम है तो एन ए हमेशा प्लस वन होता है। अगर आपके पास कॉपर है तो अब आपको देखना पड़ेगा कॉपर प्लस वन में है कि कॉपर प्लस टू में है। अगर आपके पास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम हमेशा प्लस थ्री में होता है। अगर आपके पास आयरन है तो आपको देखना पड़ेगा प्लस टू में है कि आयरन प्लस थ्री में है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एन एक्स का वैल्यू क्या है? तो सर सॉल्ट को देखने का, आपके पास NaCl लिखा होगा, आपके पास कॉपर क्लोराइड CuCl अगर ये लिखा है तो कॉपर प्लस वन है, अगर CuCl2 लिखा है तो कॉपर प्लस टू है, अगर AlCl3 लिखा है तो एल्यूमिनियम प्लस थ्री है, अगर FeCl2 लिखा है तो Fe प्लस टू में है, और अगर FeCl3 लिखा है तो वो प्लस थ्री में है। तो आप सॉल्ट देखकर भी बहुत बार अंदाजा लगा सकते हो। कुछ कुछ मेटल्स हैं जो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, जैसे सिल्वर। अगर मोस्टली कहीं पर सिल्वर होगा तो आंख बंद करके लिख देना, सिल्वर विल बी मोस्टली प्लस वन इन इस न्यूमेरिकल्स में जो आपको मैंने प्रोवाइड किया। इसमें तो कहीं ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जहां पे आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मिलेंगे, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे भी पूछा जा सकता है, जहां पे क्वेश्चन को घुमा देंगे वहां पे आपने यूजुअली कॉपर को प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में देखा है, तो वो क्या करेंगे आपको कॉपर क्लोराइड दे देंगे, दैट विल बी CuCl, ओनली कॉपर क्लोराइड इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरिक क्लोराइड। वो कभी कभी नाम भी लिख देंगे, लाइक दे विल नॉट इवन टेल यू की CuCl, फॉर्मूला नहीं देंगे, वो आपको बोलेंगे क्यूपरस क्लोराइड या क्यूपरिक क्लोराइड। तो यू शुड बी स्मार्ट इनफ, आपको पता होना चाहिए कि क्यूपरस बोला है तो CuCl होगा, क्यूपरिक बोला है तो CuCl2 होगा, ठीक है, फेरस बोला है कि फेरिक बोला है। तो जस्ट बी केयरफुल विद व्हाइल रीडिंग द न्यूमेरिकल। इतना पढ़ने के बाद मुझे उम्मीद है आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज।